बिहार के लोग मर रहे हैं। कौन से बिल में माननीय मुख्यमंत्री जी छुपे, थोड़ा बताएं। मुद्दे की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हार मान ली है। एक बार भी जितने हमारे सवाल थे, और एक विपक्ष की भूमिका होने के नाते हमने सकारात्मक रूप से जो हमारी जिम्मेदारी है उस नाते हमने सवाल पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि सुपवा हंसे चलनिया के जेकरा में 72 गो छेद। जी हाँ, जो सवालों के घेरे में खुद घिरे हैं, आज वो बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जिनके दामन पर कितने दाग हैं, वो दूसरों पर दाग लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव की। रिम्स से लौटते ही आक्रामक तो हुए ही, सरकार से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला तो बोला ही। सुबह सुबह आज जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जा रहे थे, तो आज उन्होंने नीतीश कुमार से 8 सवाल कर लिए कि यदि है हिम्मत तो दीजिए इनके जवाब। हम आपको बता दें कि क्या क्या सवाल किए हैं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से। 15 साल में कितने लोगों को बिहार में नौकरी मिली है? दूसरा सवाल उनका यह है कि 15 साल में सरकार में जो कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, उनका जिलावार और जातिवार आंकड़ा क्या है? देख लीजिए, तेजस्वी यहां फिर से जाति की बात कर रहे हैं। क्या है, यानी सरकार बताए कि किस जिले के और किस जाति के लोगों को नौकरी मिली है। आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी की मंशा किस तरफ जा रही है। बिहार को वो अपनी बिरादरी, अपनी जाति के आग में झोंकना चाहते हैं। तीसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, पिछले 15 सालों में बिहार से कुल कितने लोगों का पलायन हुआ है? तो तेजस्वी, साथ में आप ये भी बता देते कि बिहार में कितने लोग आए भी हैं। पिछले 15 सालों में बिहार में कुल कितने उद्योग और कल कारखाने लगे हैं? नीतीश कुमार के 15 सालों के कार्यकाल में पहले से चालू कितने चीनी, जूट और पेपर मिल से साथ साथ दूसरे कल कारखाने बंद हुए हैं? उनके बंद होने से बिहार को कितना नुकसान हुआ है और कितने राजस्व रोजगार की क्षति हुई है? उनका अगला सवाल है, पिछले 15 सालों में कितने लाख करोड़ रुपए शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेश में गया? यानी जो लोग बिहार से बाहर पढ़ने गए या इलाज कराने गए, उनका कितना पैसा खर्च हुआ? बिहार के मानव संसाधन का कितना प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेश में कार्यरत है? यानी बिहार के जितने लोग काम कर सकते हैं, उनमें से कितने बिहार में काम कर रहे हैं और कितने लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं? तो ये थे तेजस्वी के कुछ तीखे सवाल बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से। लेकिन हम आपको बता दें कि जब इनके ही पिता और माता बिहार में 15 साल राज किए, उसका जवाब तेजस्वी क्यों नहीं देते हैं? हम आपको बताएंगे कि वो मिले क्या नीतीश के राज में बंद हुई या लालू के। अधिकतर मिलों से लेकर कल कारखाने जो हैं वो लालू के राज में बंद हुए। लालू के समय ही बिहार में जब उद्योग धंधे बंद हुए, तब आज से 15 साल पहले बिहार वासियों का अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन शुरू हुआ। जी हाँ, लालू के समय बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। यहाँ कोई भी उद्योग धंधे लगाने को नहीं आना चाहते थे कि बिहार में यदि धंधे लगाएंगे तो उनको एक राशि देनी पड़ेगी सरकार को अंडर द टेबल, जिसके मुखिया हमेशा लालू यादव रहे। इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए
तेजस्वी ने सीधा सवाल पूछ दिया है, 8 सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो खुद सवाल के घेरे में हमेशा से है, मैंने पहले भी कहा है कि जो सवालों के घेरे में है, जनता उनसे पूछना चाहती है कि तेजस्वी यादव आपके पास 15 साल में इतने पैसे कहाँ से आ गए। यदि 15 साल आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री और माता जी रही तो उनकी तनख्वाह कितनी थी, आप भी मंत्री रहे आपकी तनख्वाह की, क्या आपके पास जितना पैसा है वो ईमानदारी से कमाया हुआ है? जवाब आएगा जी नहीं। ये इतनी जल्दी कोई पैसा ईमानदारी से कमाकर इतने बड़े बड़े मॉल नहीं खड़ा कर सकता, जो आपको याद होगा जिस पे अभी तक रोक लगी है, इतनी सारी संपत्तियां नहीं जुटा सकता। तो तेजस्वी, पहले आप अपने 15 साल के सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद जो है बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि आपके समय में, आपके पिता के समय में बिहार का विकास कितना हुआ। फिर मिलेंगे आपसे इसी ऐसी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नेशन भारत के साथ जुड़े रहिए, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।